सरकार खत्म, साथ आए अखिलेश राहुल। लखनऊ से आई तस्वीर से टेंशन में बीजेपी। प्रदर्शन की ये तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ से सामने आई है। ये प्रदर्शन शीतकालीन सत्र में 146 सांसदों के निलंबन करने के विरोध में किया गया। विरोध प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों को देखा गया। नेताओं ने कलेक्ट्रेट में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने नारेबाजी की। मंजर ऐसा था कि पुलिस को बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकना पड़ा। वहीं सपा नेताओं में शामिल जूही सिंह ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर तानाशाही और लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया। देखिए, बीजेपी सरकार जब से आई है तब से अपनी तानाशाही और लोकतंत्र को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज जिस तरीके से संसद में विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया, ये देश में क्या जा रहा है? देश को क्या मैसेज देना चाह रही सरकार? तक ये अपनी ताकत से लोगों को खत्म करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमन, जुल्म और तानाशाही से जनता और विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकसभा के 142 सांसद विपक्ष के हैं, उनको संसद से बाहर निकाल दिया है। ऐसा लग रहा है कि देश में अघोषित रूप से आपातकाल लग गया है। दमन, जुल्म और तानाशाही से जनता की आवाज दबाने का काम हो रहा है। जो सांसद चुने आते हैं उनका ये काम है, ये दायित्व तो है कि लोकसभा के अंदर जनता की बात को उठाने का काम करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि जनता की आवाज लोकसभा में ना उठ पाए और जनता के मुद्दों पर चर्चा और बहस ना हो पाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये दमनात्मक तानाशाही पूर्ण कार्रवाई करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के हर जुल्म अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का काम करेगी और हम लोगों ने इसीलिए आज यहाँ पर प्रदर्शन आंदोलन करने का काम किया है। लेकिन इस प्रदर्शन से जो बात सामने आई है वो बीजेपी सरकार के लिए चिंता का विषय बनने वाली है। प्रदर्शन के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा रही तो वो सपा और कांग्रेस के साथ आने की, क्योंकि हाल ही में एमपी इलेक्शन के दौरान सीट शेयरिंग को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच टकरार देखने को मिली थी। सपा को सीट न मिलने पर अखिलेश यादव काफी नाराज नजर आए थे। अखिलेश को लेकर कमलनाथ ने ये तक कह दिया था कि कौन अखिलेश वखिलेश। सपा कांग्रेस को लेकर एमपी की तस्वीर सामने आने के बाद यही लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर टकरार देखी जा सकती है, जो कि बीजेपी के लिए अच्छी खबर साबित हो सकती थी। लेकिन लखनऊ के प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के साथ आने से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने इस प्रदर्शन में शामिल होकर ये संकेत दे दिया है कि वो बीजेपी को केंद्र से हटाने के लिए एकजुट है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।